जल्द होगा तीसरा विश्व युद्ध। यूक्रेन ने किसे दी खुली धमकी? अमेरिका से कर दी कैसी बड़ी मांग? ईरान और इसराइल के बीच युद्ध जारी है, जबकि दो साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध थमा नहीं है। लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने एक बार फिर से धमकी दी है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर यूक्रेन रूस के साथ अपने युद्ध को हार जाता है तो फिर तीसरा विश्व युद्ध होगा। साथ ही उन्होंने अमेरिका से मांग करते हुए कहा है कि लंबे समय से रुके विदेशी सहायता विधेयक को पारित करने का आग्रह किया जाए। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस श्माइहिल ने आशा व्यक्त की है कि अमेरिकी संसद बेहद विवादास्पद विधेयक को पारित करेंगे, जिसमें कीव के लिए 61 अरब डॉलर निर्धारित है। प्रतिनिधि सभा इस शनिवार को पैकेज पर मतदान करने वाली है। प्रस्ताव में इसराइल के साथ साथ इंडो पैसिफिक के लिए फंडिंग भी शामिल है। बीबीसी के मुताबिक रूस का कहना है कि यूक्रेन के लिए किसी भी नई अमेरिकी सहायता से युद्ध के मैदान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मालूम हो कि पिछले दो साल से ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। अमेरिकी समेत तमाम पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं और यूक्रेन को हथियार, पैसों समेत तमाम तरह की मदद दी है। यूक्रेनी प्रधानमंत्री श्माइहिल ने अमेरिकी सुरक्षा सहायता के बारे में कहा कि हमें इस पैसे की जरूरत कल नहीं बल्कि आज ही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम रक्षा नहीं करेंगे तो यूक्रेन हार जाएगा, सुरक्षा की वैश्विक प्रणाली नष्ट हो जाएगी और पूरी दुनिया को सुरक्षा की एक नई प्रणाली खोजने की जरूरत होगी। वहीं यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कई संघर्ष होंगे, ऐसे कई तरह के युद्ध होंगे और दिन के अंत में ये तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। यह पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने अपनी संभावित हार के परिणामों के बारे में इतनी खतरनाक चेतावनी जारी की है। इससे पहले बीते साल यूक्रेन के ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि अगर ये युद्ध रूस जीत जाता है तो फिर वे पोलैंड पर अगला आक्रमण कर सकता है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। हालांकि रूस ने ऐसे दावों को खारिज कर दिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से उनके देश को और ज्यादा वायु रक्षा प्रणालियों को देने का अनुरोध किया है। उन्होंने चेनर हाइक हमले के बारे में कहा कि अगर यूक्रेन को पर्याप्त वायु रक्षा उपकरण मिले होते तो रूसी आतंक का मुकाबला करने के लिए दुनिया का दृढ़ संकल्प होता, तो ऐसा नहीं होता। जेलेंस्की ने इस हफ्ते की शुरुआत में प्रसारित एक साक्षात्कार में पीबीएस को बताया था कि मिसाइल और ड्रोन हमले से बचाव करते हुए यूक्रेन के पास वायु रक्षा मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। हाल ही में रूस ने हमले में यूक्रेन के सबसे बड़े बिजली संयंत्रों में से एक को नष्ट कर दिया था। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने इटली में 7 देशों के विदेशी मंत्रियों की बैठक से पूर्व अधिक मदद के लिए जेलेंस्की की अपील दोहराई है। फिलहाल देखना होगा कि यूक्रेन को कैसे मदद मिलती है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।